अरे वाह, पता आंटी आपको एक बात बताएं, रेशमा लाई किस लिए है? उसके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे थे। हाँ, दुपट्टों पे कपड़ा आया है। रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ बाल झाड़ा जा रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, और मैं एक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगता होगा। लग रहा है आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हो, और जितना हो सक रहा है हम सब कमेंट्स की रिप्लाई दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स प्यारे प्यारे करते रहिए। जो आप लोगों को पूरी वीडियो देखी है, कुछ भी आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ कमेंट करना चाहिए, यहाँ कुछ पूछना चाहिए, हर कमेंट का रिप्लाई देती रहूँगी। और आज जो है मेरी देवरानी अपने किचन से इतनी उमदा खुशबू उड़ा रही है, कुछ बना रही है डिलीशियस सा, और हमारा तो आपको पता है कोई खुशबू उड़ी नहीं कि वो परेशान हो जाती है कि कुछ बन रहा है कुछ बन रहा। तो हमारा जा रही थी पूछने, तो मैंने उसे बाहर रोक कर रखा है। मैंने कहा नहीं, अपन चलेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि हमारा की चाची क्या बना रही है। तो चलिए चलते हैं। चाची को भी नहीं छोड़ोगी तुम किचन में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाची मेरे बीवा से इसकी रेसिपी शेयर कर दीजिए। इसकी इसमें तो बहुत सारी हेल्दी चीज़ें होती है ना, इसमें घी होता है, इसमें आपका क्रीम होता है, थोड़ा सा मिल्क भी होता है। अच्छा। और धनिया होता है, पुदीना होता है, सारी अच्छी हरी सब्जियां होती है, बस लाल मिर्च मसाले वगैरह नहीं होती है, सब कुछ हरा होता है ताकि इसका कलर अच्छा आए। बाई बाई। और बच्चे भी खा लें, आप भी खा लोगे, यूसुफ भी खा लेगा। तो इसका नाम है चिकन अफगानी ग्रेवी। हाँ, वाह। चिकन में ना मुझे नहाने तक नहीं दिया सही से। अच्छा। अपनी खाली करते हुए अब तो तुम फेंक रही हो। हाँ ये सही है। ओ पागल, दिमाग मत खाओ, ला रही है वो कुछ रख रही। वो आ रही, वो आ रही। अरे वाह, आ गया बेटा अपने से। चलो फिर अमायरा खाएगी और खा के बताएगी कि कैसे बने। ठीक है, कैसा बना तुम ये तो बता दो चाची को। बहुत जल्दी आई, 10 आउट ऑफ में मार्क्स दो तो 10, 100 आउट ऑफ में दो तो 100। सुन लिया? बहुत यम्मी चाची, मजा आ गया। A few moments later, अब छुपा आ रहा है। हां छुपाओ, अब आशा डटो। सो गाइस, टेबल के नीचे हो, अलमारी के अंदर हो, या ऐसे छुपा लेता। फिर कहेगा यूसुफ को, बताओ यूसुफ कहां है। यूसुफ कहां है? पता नहीं कहां है। और ये भी बोलो कि पता नहीं कहाँ है, बता दोगे तो आफत है। और पता है आंटी आपको एक बात बताएं, रेशमा लाई किस लिए है? उसके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे थे। हाँ, दुपट्टों पे कपड़ा आया है। पता है आंटी आपको एक बात बताएं, रेशमा लाई किस लिए है? उसके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे थे। हाँ, दुपट्टों पे कपड़ा आया है। ये सही बोली माँ। बताओ सही बात है रेशमा, तुम्हें रील भी ले जानी चाहिए थी कि हाँ। इसका क्या था तुम्हारे पास प्लाजो? ये कॉर्ड सेट के लिए बनाया है, इसका हाँ। कुछ नहीं था, ये पूरा कपड़ा है कॉर्ड सेट का। चलो चलो ठीक है, जो लाई बहुत अच्छा है। एक आंटी को दे देना आराम से। हाँ। हाँ, एक दे दिए। दे दिए, बस जाओ अब तुम दे दो इस कपड़े को सिलने के लिए। क्या दिखाएं? देखो वालेकुम सलाम और सभी भाई। बिल्कुल ये सोने नहीं दे रही, मार्केट कराती है ये बस मार्केट ले जाओ। ये खड़ी रेशमा। बाप रे बाप, इस लड़के ने कितने बज रहे? तुम मोबाइल दिखाओ जरा अपना, दिखाओ। रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ बाल झाड़ा जा रहा है, इस लड़के का उधम बंद नहीं हो रहा है, और ये भी शैतानी कर रहे हैं अपना स्लाइड से। और ये चाची और भतीजी लगेगी ना, चाची और भतीजी की मोहब्बत नहीं ख़त्म हो रही। हाँ, वो रोज़ इनके काम करती हैं। इतने दिन की बिछड़ी हुई है, जब छोटी थी तब से करती है वो, है ना। जब छोटी थी तो हमारे पास से चली जाती थी, इसलिए तो मैं
जब छोटी थी गाइस तो ये रेशमा के पास चली आती थी और दो दो तीन तीन घंटे रहती थी, कहती थी प्लीज चाची मुझे यहीं रहने दो। और गाइस रात के आप लोगों ने देखा होगा 12 बज रहे हैं और यहाँ पे ये सब चलता रहेगा और रोज हम लोग 1:30-2 बजे सो रहे हैं। तो आज सुबह से ये व्लॉग स्टार्ट है और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। और सब्सक्राइब और शेयर को रेशमा कहेगी। चलो बोलो जल्दी याद रहेगा। जब जब कुछ साल बाद देखेंगे ना कि यूसुफ इतना छोटा था, शिशा तारी करता था। अल्लाह हाफिज बाय। पहली चोटी हमारी बनाई है ना। अच्छा हाँ, अल्लाह हाफिज बाय। सबसे पहली चोटी कल बनाई तुम्हारी, सबसे पहली चोटी की होगी तुम्हारी की है। हाँ अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे नए वीडियो में और ऐसी फैमिली के साथ एंजॉय होता रहेगा अभी कुछ दिन। अल्लाह हाफिज। किसका बेटा है? बड़ी देखा ये।